मुठभेड़ में पिता पुत्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी को लगी गोली। शिवपुर चपरी गांव के बीच भोर में लगभग 4:30 बजे हुई मुठभेड़। आजमगढ़ जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर चपरी गांव के बीच शनिवार की भोर में लगभग 4:30 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पिता पुत्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसे पुलिस के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज थाना के सरदाहा बाजार में बुधवार की सुबह कपड़ा व्यवसायी रशीद और उसके पुत्र शोएब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आधा दर्जन बदमाशों ने 3 मिनट तक मृतक की दुकान पर चढ़कर तांडव मचाया था। इस हत्याकांड में दिनेश, निर्मला, पवन, पंकज और प्रदीप नामजद किए गए थे। दिनेश और निर्मला को पुलिस ने गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पवन, पंकज और प्रदीप फरार थे। शनिवार की भोर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस चपरी गांव के रास्ते पर मौजूद थी। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही उसने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस से घिर जाने पर उसने टीम पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। उसकी पहचान पिता पुत्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी पवन गुप्ता के रूप में की गई। घायल को तत्काल CHC महाराजगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके साथ कुछ अन्य लोगों के भी गिरफ्तार किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। दिनांक 20 सितंबर को थाना महाराजगंज अंतर्गत सरदार बाजार में दुकान के विवाद को लेकर हत्या व दुकान में आग लगाने के प्रयास की घटना के संबंध में FIR नंबर 296/23, धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436 IPC और 7CL एक्ट 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था। 2 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कल रात्रि SHO महाराजगंज की टीम के द्वारा 2 अन्य नामजद अभियुक्त प्रदीप गुप्ता और पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता इनको गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। आज सुबह लगभग 5 बजे 5वें मुख्य अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता को चपरी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि 1 वर्ष पूर्व विपक्षी द्वारा मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई थी और विपक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी घटना का बदला लेने के लिए इसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अग्रिम रचनात्मक कार्रवाई SHO महाराजगंज और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी।